कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सीआईसी लड़ाई पर होगी बैठक, और सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से किसी एक के पास रहेगी राजस्थान मुख्यमंत्री पद की कमान। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, और उससे ठीक पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सीआईसी लड़ाई का सड़क पर आना पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। इससे निपटने के लिए पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 29 नवंबर को जयपुर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल प्रियंका से मिलकर आए वेणुगोपाल ने अध्यक्ष खड़गे से भी इस मामले को लेकर लंबी चर्चा की, और इस दौरे में वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पड़ाव के लिए बनी कमेटियों की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो दोनों से अलग अलग बात करके इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी तरह की बयानबाजी या फिर किसी की अनुशासनहीनता से दूर रहने की कड़ी चेतावनी भी देंगे। वैसे 25 सितंबर को जयपुर में हुई बगावती घटना के बाद अशोक गहलोत ने जब दिल्ली आकर सोनिया गांधी से माफी मांगी थी, तब वेणुगोपाल भी बतौर संगठन महासचिव बैठक में मौजूद थे। तब जनसपथ से बाहर आकर वेणुगोपाल ने कहा था कि राजस्थान में फैसला 2 से 3 दिनों में हो जाएगा, लेकिन उस बात को 2 महीने बीत गए हैं और मामला गहलोत और सचिन की ताजा तकरार के बाद अब पेचीदा हो गया है। और अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस बैठक के बाद किसके पक्ष में फैसला होता है।